भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर मीर रंजन नेगी शहर में होने वाली राज्य स्तरीय महिला हॉकी स्पर्धा में शामिल होने पहुंचे। उल्लेखनीय है कि चक दे इंडिया फिल्म नेगी के जीवन पर ही आधारित है। नेगी गुरुवार को पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा, आज क्रिकेट में भले ही लोगों का रुझान है, लेकिन हॉकी के लिए आज भी लोगों के दिलों में जगह है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भारत की बेटियां हारी जरूर, पर उन्होंने सराहनीय प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया। आने वाले समय में वो महिला एवं पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक का सपना जरूर पूरा करेंगी। मीर रंजन नेगी जिले में होने वाली स्पर्धा में शामिल होने वाली खरगोन की महिला खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देकर हॉकी के गुर भी सिखा रहे हैं। नेगी ने कहा, खरगोन को हॉकी का केंद्र बनाने की आशा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये देश में क्रिकेट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। 41 साल के बाद में हिंदुस्तान ने अपना ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और 41 साल तक हॉकी के चाहने वाले जो थे वो कभी कम न हुए, और शायद इसी की वजह से आज भी आप देखते हैं कि हॉकी को वही प्यार और सम्मान मिलता है। सरदार मनमोहन सिंह जी चावला जी की याद में जो ये हॉकी का टूर्नामेंट खरगोन में आयोजित किया जा रहा है, उसके पहले मैं यहाँ पर आया और मैंने मनजीत सिंह जी चावला जी से रिक्वेस्ट किया कि मैं उन लड़कियों के साथ में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, उनको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। तो 3-4 दिन का हम लोगों ने यहाँ पर एक हॉकी कैंप आयोजित किया और उसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया। यहाँ आके मैंने देखा कि यहाँ पर करीब 70 लड़कियाँ रोज हॉकी खेल रही हैं। मुझे मालूम नहीं कि शहर के और दूसरे एरिया में कितने बच्चे खेलते हैं, लेकिन 70 लड़कियाँ, मतलब वुमन हॉकी इस बार हारी जरूर, लेकिन देश का दिल उन्होंने जीता, और वो सारा का सारा इस मैदान में दिखता है कि सारे के सारे मैदान हैं। बहुत अच्छा भी लगा कि इंदौर जहाँ खरगोन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। मेरा बहुत दिल से मानना है कि खरगोन को एक हॉकी का केंद्र बनाया जाए, फीडर सेंटर बनाया जाए, और आसपास के लोगों के साथ में जोड़कर यहाँ पर एक अच्छा सा एस्ट्रोटर्फ तैयार करके एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग शुरू की जाए। सरकार को क्या करना है, मतलब सरकार से क्या मांग करते हैं कि जिस प्रकार से हॉकी को बढ़ावा देने के लिए? हमारे जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान हैं, वो हॉकी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यकीन मानिएगा। मैं बहुत उनसे नज़दीक से जुड़ा भी था, और जिस तरीके से उन्होंने भोपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिस तरीके से ग्वालियर में लड़कियों की एकेडमी चालू है, वहाँ से लड़कियाँ आ रही हैं देश के लिए खेल रही हैं, ऐसे सेंटर्स और छोटी छोटी जगहों पर भी शुरू करना चाहिए, और विशेषकर खरगोन में। यहाँ पर बहुत अच्छा है, जिस तरीके से कनेक्टिविटी है, जिस तरीके से सारा का सारा फैसिलिटीज है। चक दे इंडिया में जैसे आपकी बायोपिक पर बनी है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक खिलाड़ी जो होता है ना, वो उसकी अपनी एक अलग कहानी होती है। मीर रंजन नेगी की कहानी लोगों के सामने आई, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में फाइट बैक किया है, बहुत सारे लोग, और इसके लिए वो जो पूरा का पूरा फाइट बैक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।